नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने, बड़ा अपडेट बताने जा रहे हैं। गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की अहम जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया है। वहीं जनता दरबार लगाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की फरियादों को भी सुना और अफसरों को समाधान के आदेश भी दिए। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां पर उन्होंने जनता दरबार लगाया है। जनता दरबार लगाकर वो लोगों की फरियादें सुन रहे हैं। तमाम फरियादी आए हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने और सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी फरियाद सुन रहे हैं और साथ ही साथ अफसरों को समाधान के आदेश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार भी लगाया है। जनता दरबार में तमाम फरियादी पहुंचे हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं सीएम योगी और उनके समाधान के आदेश भी उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं। निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट करके बीजेपी के उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है, जिसमें उन्होंने सीएम योगी के नेतृत्व को भी जमकर सराहा। तो निकाय चुनाव में इस बार बीजेपी की भारी भरकम जीत हुई है और पीएम मोदी ने भी ये ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि ये सफलता योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मिली है और उनके नेतृत्व में हो रहे अभूतपूर्व विकास को लेकर जन जन का समर्थन उन्हें मिला है। तो निकाय चुनाव पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया और निकाय चुनाव में शानदार विजय के लिए उन्होंने बधाई भी दी। तो निकाय चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा है कि यह जीत पीएम मोदी के मार्गदर्शन में मिली है। इसके साथ ही भूपेंद्र चौधरी को भी उन्होंने बधाई देते हुए लिखा कि यह जीत सीएम योगी आदित्यनाथ के जन कल्याण के कामों पर मोहर की है। उधर नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और उज्जवल कार्यालय की शुभकामनाएं भी उन्होंने दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी की जीत को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को उन्होंने शुभकामनाएं दी, बधाई दी। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुयोग्य यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है और 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। 2017 से भारतीय जनता पार्टी दोगुने से अधिक सीटें नगर पालिकाओं में प्राप्त कर चुकी है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। 17 के 17 नगर निगमों में, जिनमें से हर एक नगर निगम 5 लाख से लेकर के 50 लाख मतदाताओं या आबादी के बीच का होता है और इतनी बड़ी आबादी की जनता को प्रदेश के अंदर
बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके समग्र विकास और उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को डबल इंजन सरकार ने जिस प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया है, आज ये जनादेश सबके सामने है। प्रदेश के अंदर 200 नगर पालिकाएं, जिनमें से 199 में चुनाव संपन्न हुए हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 60 नगर पालिकाओं में विजय प्राप्त की थी। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी का ये आंकड़ा विगत वर्ष से यानी 2017 से दोगुने से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं में भी प्राप्त कर रही है। नगर पंचायतें पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश में नई नगर पंचायतों का गठन भी हुआ है। जो गरीब बड़ी गर्म पंचायतें थी और 20,000 की आबादी से अधिक की आबादी के जो ग्राम पंचायतें थी, उन्हें नगर पंचायत के रूप में विकसित करके नगरीय सुविधाओं से आच्छादित करने का जो अभियान था, उसी क्रम में लगभग 112 से अधिक नगर निकाय गठित हुए थे। कुल मिलाकर के 545 नगर निकायों में यानी नगर पंचायतों में भी चुनाव संपन्न हुए थे और भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर पंचायतों में भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। 2017 से 2.5 गुना से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में इसमें भी सफलता प्राप्त की है। 96 जो विधानसभा थी, वह हमारे सहयोगी दल अपना दल एस के विधायक से राहुल प्रकाश के दिवंगत होने के कारण खाली हुई थी। इस सीट को भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अपना दल एस ने यहां पर समाजवादी पार्टी को परास्त करके सीट जीती है और दूसरी सीट स्वार रामपुर जनपद की है, जो समाजवादी पार्टी के सदस्य की अयोग्यता के कारण यह सीट खाली हुई थी, उनके सदस्यता समाप्त होने के कारण सीट खाली हुई थी। इसे भी हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल गठबंधन के सहयोगी दल अपना दल एस के प्रत्याशी ने भारी बहुमत से यह सीट भी जीत करके दोनों उपचुनाव में भी वहां पर झंडा गाड़ने का काम किया है। उधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना तय हो गया है और कर्नाटक में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन से उत्तर प्रदेश में भी पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे ही कर्नाटक की चुनावी तस्वीर साफ हुई, वैसे ही माल एवेन्यू स्थित कार्यालय में कांग्रेसियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने जनता टीवी से कहा कि अगले चुनाव में अब कांग्रेस के पक्ष में ही वो नजर आएंगे। कांग्रेस में पूरा खुशी का माहौल है, इसको लेकर के हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ये जीत के बाद क्या उनका उद्देश्य रहेगा और आगे क्या काम करेंगे। देखिए, आज पूरे देश में, अकेले कर्नाटक नहीं पूरे देश में खुशी की लहर है और दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की सोच है, उस सोच को कर्नाटक के सम्मानित जनता ने रोक दिया है। आज पूरे देश के अंदर ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब सारे लोग देश को बचाने वाली पार्टी के साथ चले गए। देश को बचाने वाली पार्टी कांग्रेस है, देश को बेचने वाली पार्टी का देख रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े करके बेच रही है। तो अब देश के मतदाता भाजपा के साथ जाने को तैयार नहीं है। अभी राहुल जी ने बोला है कर्नाटक में नफरत हारी है, मोहब्बत जीती है। बड़ी खुशी की बात है कि आज से हमारी जो शुरुआत हुई है कांग्रेस की, कर्नाटक के बाद राजस्थान भी आ रहा है, छत्तीसगढ़ भी आ रहा है, मध्य प्रदेश भी आ रहा है और जो भी राज्य आ रहे हैं, इनमें भी कांग्रेस इसी तरीके का रिजल्ट लेके आएगी। आने वाले 24 में ये पूरा देश कांग्रेस के हाथों में होगा और कांग्रेस इस देश को फिर उसी तरीके से चलाने के लिए तैयार होगी। आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, ये मैं कह सकता हूँ। तो 2024 में एजेंडा क्या होगा आपका? मेन एजेंडा मेन होगा देश को बेचने वालों को हटा करके देश को बचाने का एजेंडा होगा। कितनी मारामारी है महंगाई की, कितना
बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी का जो ग्राफ बढ़ा है, अन्याय अत्याचार की संख्या नहीं मिल रही है कितनी है, तो इन सब मुद्दों को लेकर के जब हम लोकसभा में जाएंगे तो लोग हमारे साथ होंगे। और एक बहुत बड़ा मुद्दा उसके साथ ये भी होगा कि जो टुकड़े टुकड़े करके जो देश को बेचा है वो हम वापस कैसे लाएं। एक बात और आती है, जहाँ जहाँ आपकी सरकार वहाँ पुरानी पेंशन कर्मचारियों को आप दे रहे हैं, तो क्या अगला जब चुनाव जहाँ जहाँ जीते जाएंगे वहाँ भी ऐसा होगा? जो अभी राहुल जी ने बोला है कि जो हमने 5 वायदे किए हैं, पहली कैबिनेट की बैठक में हम 5 वायदे पूरे करेंगे। और लोकसभा के चुनाव में जब हम पुरानी पेंशन की बात करके आएंगे तो निश्चित सरकार बनने के पहली कैबिनेट में वो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, ये ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। साथ ही निकाय का चुनाव भी आज उसका रिजल्ट आया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? रिजल्ट के चुनाव में तो हमने कई बार आपसे भी मिले हैं, तब भी यही कहा कि हम पिछले जो रिजल्ट हैं हमारे साथ सामने उन रिजल्टों से कहीं बेहतर करेंगे और वो हम करने जा रहे हैं। पिछले बार भी हमारे पास नगर निगम नहीं था, इस बार भी नहीं है, लेकिन जो वोट ऑफ परसेंटेज है उसमें जरूर इजाफा होगा, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। नगर पालिकाएँ हमारे पास कितनी थी उनसे हम बढ़ करके कितने पे जाएंगे ये रात को रिजल्ट आएगा। नगर पंचायत भी कितने हमारे पास पिछले बार थी, इस बार हम कितने पे जीत रहे हैं ये भी रिजल्ट शाम को आएगा। रिजल्ट हमें पता है कि हम उस पिछले से बेहतर करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे बृजलाल खावरी। इनका कहना सीधा से है कि जो हमारी सरकार अब जहाँ जहाँ जीतेगी वहाँ पुरानी पेंशन लाएगी और जनता से जो वादे किए हैं उनको पूरी तरह पूरा व पहली कैबिनेट बैठक में वो वादे पूरे किए जाएंगे। कैमरामैन रिया के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। उधर गोरखपुर से सपा प्रत्याशी काजल निषाद की हार हुई है, जिसके बाद काजल निषाद ने काउंटिंग सेंटर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। काजल निषाद ने कहा कि उन्हें प्रशासन ने जानबूझकर हराया है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने जनता टीवी पर उनसे खास बातचीत की, सुनिए। गोरखपुर में नगर निकाय चुनाव की मतगणना लगभग पूरी हो चुकी है और BJP के प्रत्याशी मेयर के लगभग डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव लगभग 60,000 वोटों से आगे हैं, लेकिन वहीं पे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद मौके पर पहुंच गई और उन्होंने कहा कि धांधली हुई है, मेरे साथ धांधली हो रही है और उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की है। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे काजल निषाद हैं जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो, आप देखेंगे यहाँ पे कि पूरा जिला प्रशासन भी बैठा हुआ है, साथ में यहाँ पे समाजवादी पार्टी की जो है यहाँ पे तमाम नेता बैठे हुए हैं और साथ में ये प्रत्याशी हैं काजल निषाद। काजल निषाद बैठ गई हैं और ये यहाँ पे कह रही हैं कि हम रात दिन एक कर देंगे लेकिन इसको रिकाउंटिंग हमको चाहिए। आइए बात करते हैं उनसे और काजल निषाद से जान। काजल जी क्या मांग है आपकी? यही मांग है भैया कि दोबारा चुनाव हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमने लिख के दिया है, इन्होंने हमें बिठाया है, रिकाउंटिंग हो हमने लिख के दिया है और इन्होंने कहा है कि ठीक है, हम देखते हैं, हम बैठे हैं। क्या आरोप है आपका, मतलब क्या मतगणना में क्या दिक्कत हो रही है? जब वोट ही पड़ा है 3,62,000 तो कैसे बता दे रहे कि 5,00,000 वोट पड़ा है, कैसे माने हम? मतलब जब रिकॉर्ड में ही है कि 3,62,000 ही पोलिंग हुआ है तो कहाँ से 5,00,000 पोलिंग आ गया आज के दिन? जब 4 तारीख को पोलिंग ही इतना हुआ तो 13 तारीख को कैसे बढ़ गया? मेहनत नहीं की आप लोगों ने इसीलिए क्या? या आपका प्रत्याशी नहीं चला, काजल निषाद चली, इसीलिए धांधली कर रहे हो? शुरू से मैं हाथ जोड़ के सबको कह रही हूँ कि निष्पक्ष चुनाव करवाइए, पारदर्शिता वाला चुनाव करवाइए। हम जो भी जनता का आदेश होगा सर आंखों पर होगा, कैसे मान लूँ मैं तो जा रही थी, मैंने तो अपने लोगों को बोल दिया था कि भाई कोई बात नहीं भाई, राजनीति है, हार जीत होती रहती है, बुरा मत मानना, चलिए कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छे से लड़े हैं, ये निर्णय हम सर्वमान्य मानते हैं। कैसे मानूं जब पूरा कुल योग निकाला है तब पता चल रहा है धांधली हो रहा है? क्यों भैया कंप्यूटर नहीं जांचा? मैं कलम जांच के ला रही हूँ, मैं कंप्यूटर में जिला प्रशासन क्या कह रहा है, मतलब क्या आपको सांत्वना दे रहा है? पहले तो हमने कहा ऐसे कैसे हो गया, तो कह रहे चलिए यहाँ से, हटिए यहाँ से, जाइए यहाँ से, आप लोग कौन है, तो हो गया चलिए, हमने बता दिया हो गया, हमने अनाउंस कर दिया, ऐसे कैसे मान ले भाई? लड़ाई लड़े हैं, मेहनत की है, जनता के मुद्दों को दिखाया है काजल निषाद। शुरू से कह रही थी कि काजल निषाद का चुनाव नहीं है, जनता का चुनाव है, तो कैसे मान लूँ मैं? तो हमने कहा है कि रिकाउंटिंग करवाइए, लिखित में दिया है, इन्होंने काम सोच के बताएंगे, कोई बात नहीं, हमारे एजेंट भी है,
अधिकारी भी है। काउंटिंग अगर नहीं होता तो क्या प्रोसेस होगा? यहीं बैठेंगे, यहीं बैठ जाएंगे धरना पर, महिलाओं को लेकर और बच्चों को लेकर भी यहीं बैठेंगे। फिर जो होगा, जो भी परिणाम होगा, वो पूरा जो है जिम्मेदार जो चुनाव आयोग होगा, यहाँ के अधिकारी होंगे, सरकार होगी, और क्या करें। तो आपने देखा कि यहाँ पे काजल निषाद जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लगभग 3.5 लाख वोट जो है पड़ा हुआ है, लेकिन 5 लाख वोट कहाँ से काउंटिंग में आ रहा है। तो इसको लेकर जो है पूरी तरीके से वो यहाँ पे जो है बैठ गई हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता भी उनके साथ बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक रिकाउंटिंग नहीं होगा तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। बहरहाल जिला प्रशासन क्या निर्णय लेता है, आगे क्या होगा, वो देखने वाली बात होगी। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। और अब आपको सुनवाते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का जवाब। लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव की तरह होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज पूरे जोश में है। हमने जिस तरह का चुनाव प्रचार किया है, जनता के रुझान दिखाई दिए हैं, हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी सभी 17 नगर निगमों में और अधिक से अधिक नगर पालिका और पंचायतों में भाजपा का झंडा बुलंद करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी उस फेल हो जाने वाले बच्चे की तरह से पहले से ही कारण गिनाना प्रारंभ कर चुकी है। अखिलेश यादव जी ट्वीट करके आज निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े करने का काम कर रहे हैं। ये हार की पेशबंदी है। जैसे कोई बच्चा जब फेल हो जाता है तो वो कहता है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई थी, पेपर ही खराब बनाया गया था, ऐसे तरह तरह के कारण गढ़ने लगता है। आज अखिलेश यादव जी पहले से ही निर्वाचन आयोग पर आशंकाएं व्यक्त करके हार की पेशबंदी कर रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इटावा में नगर पालिका परिषद के उम्मीदवारों की जीत में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी संगठन को मजबूत करने का काम शुरू किया जाएगा और 2024 के संसदीय चुनाव में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देगी। के सभी कार्यकर्ताओं, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं बधाई। उनकी मेहनत से इटावा की बड़ी जीत हुई है, उसके लिए बधाई। इटावा, जसवंत नगर, भरतना, सभी नगर पंचायत समाजवादी पार्टी जीती। उधर उत्तराखंड में सरकार के जरिए पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है और बताना चाहेंगे कि 4 दिवसीय उत्तराखंड श्री अन्न मिलेट महोत्सव का आज दूसरा दिन है। कार्यक्रम का आयोजन सर्वे ऑफ इंडिया स्टेडियम हाथीबड़कड़ाल कला में किया गया है और महोत्सव में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जानकारी दी जा रही है। साथ ही फूड कोर्ट के स्टॉल भी लगाए गए हैं जिसमें मिलेट से संबंधित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, वही कृषि मंत्री गणेश जोशी अन्न मिलेट महोत्सव के दूसरे दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। और देहरादून से नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो नवीन, 4 दिवसीय उत्तराखंड श्री अन्न मिलेट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, पहला दिन कैसा रहा और दूसरे दिन क्या कुछ आकर्षण रहने वाला है इस पूरे आयोजन के दौरान? जी निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार द्वारा जो पहाड़ी उत्पाद हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। इसके साथ ही 4 दिवसीय श्री अन्न मिलेट जो महोत्सव है उसका आज दूसरा दिन है। कहीं ना कहीं सरकार की पूरी तैयारियां हैं कि किस तरीके से जो श्री अन्न है, जो पहाड़ी उत्पाद है, उसे और बढ़ावा दिया जाए या उसको मार्केट किस तरीके से मिले, इन सब चीजों पर चर्चा हो रही है। साथ ही अगर मैं बताना चाहूंगा कि जो आज का कार्यक्रम है इसमें जो फूड कोर्ट है उसे भी लगाया गया है, स्टॉल लगाए गए हैं। इसके साथ ही जो मिलेट संबंधित जानकारियां वो लगातार दी जा रही है। कई साइंटिस्ट भी आए हैं जो तमाम सारे, कल अगर बात की जाए तो कल उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री यहां पर मौजूद थे और आज तमाम सारे नेता मौजूद रहेंगे जो अपने अपने प्रदेशों में मिलेट की जो खूबियां हैं उन्हें बताते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार पूरी तरीके से इस मामले को लेकर गंभीर है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जो पहाड़ी उत्पाद है उसे किस तरीके से बढ़ावा मिले इसको लेकर काम किया जा रहा है और
अब जो मिलेट का आयोजन किया गया है 4 दिवसीय यह जो आयोजन है इसमें कहीं ना कहीं प्रदेश के किसानों को बुलाया गया है और तमाम सारी जानकारियां साझा करने की का भी कार्यक्रम है उसे रखा गया है। ठीक है नवीन, तो इस पूरे आयोजन पे आप नजर बना के रखिए, पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और अन्न मिलेट महोत्सव का आज दूसरा दिन। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, बड़ी खबर आ रही है सामने, बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड में फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आने वाला है और मौसम विभाग ने इसका पूर्वानुमान भी जारी कर दिया है। पर्वतीय इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है और 16 मई तक बारिश की संभावना जताई गई है। मैदानी जिलों में तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है और निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने इस तमाम जानकारी को साझा किया। और एक बार फिर से अपने संवाददाता नवीन शुक्ला का रुख कर लेते हैं। तो नवीन, उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आने वाला है, क्या कुछ जानकारी? जी निश्चित तौर पर एक बार फिर से उत्तराखंड का जो मौसम का मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही जो बात की जाए तो 16 मई तक जो पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जो जिले हैं यहाँ पर मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र है जो बात की जा रही थी वो 13 से 16 तारीख में बारिश हो सकती है। वहीं अगर आगे की बात की जाए तो यह जो मौसम है वह पूरी तरीके से ठीक रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो 13 से 16 तारीख की जो बात है वहां पर मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदला हुआ रहेगा। बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो मैदानी जो क्षेत्र है ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, माफ कीजिएगा, रुद्रपुर, काशीपुर और हरिद्वार जो मैदानी शहर है यहाँ पर जरूर जो गर्मी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्र में जो है बारिश का अंदेशा जताया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, काफी महत्वपूर्ण यात्रा भी मानी जा रही है और मौसम विभाग समय समय पर जो पर्यटक जो तीर्थात्री आ रहे हैं उनको साफ तौर पर मौसम विभाग यह बताता रहता है कि जो भी लोग तीर्थ यात्रा पर आ रहे हैं वह पूरी तरीके से मौसम का मिजाज देखते हुए ही उत्तराखंड की तरफ रुख करें। और एक बार फिर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बारिश की संभावना जारी की है और साफ तौर पर मौसम विभाग का यही कहना है कि जो भी यात्री आए वो मौसम का मिजाज देखते हुए उत्तराखंड की यात्रा करें, चारधाम की यात्रा करें। और नवीन, जैसा कि आपने ये बताया कि चारधाम यात्रा हो रही है, तो चारधाम यात्रा में यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए उनके लिए क्या निर्देश दिए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से? निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो शासन और प्रशासन पूरी तरीके से लगातार चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर अधिकारियों से चारधाम यात्रा की जो भी स्थिति है उसका फीडबैक लेते हुए नजर आए तो शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है और जल्द ही उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आएगा। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।